हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीखो अड्डा पर। गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं बिजी द्वारा जनरेटेड इनवॉइस पर आपके बायर द्वारा मांगी गई डिटेल्स किस तरह से प्रिंट की जाती हैं। यदि आपका बायर आपसे जो सामान खरीद रहा है उसका बिलिंग एड्रेस यदि अलग है और वो अपना सामान कहीं और ट्रांसफर करवाना चाहता है, यानी कि आपका जो सामान उसने खरीदा है वो और कहीं शिप करवाना चाहता है, तो उसकी डिटेल्स किस तरह से बिजी के सॉफ्टवेयर में हम चढ़ाते हैं, किस तरह से उस पर प्रिंट होकर आएंगी डिटेल्स, ये आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम एक बायर बना लेते हैं। यहाँ पर बायर का नाम हमने रख दिया है गुलफाम अहमद, ये सन्ड्री ट्रेडर कहलाएंगे। यहाँ पर इनका एड्रेस हम मेंशन कर रहे हैं, इनका एड्रेस है कटरा जलालुद्दीन जेल रोड रामपुर। यहाँ पर ये मेरा रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहाँ मैं इनका जीएसटी नंबर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके प्रिंट इनवॉइस जो हो उस पर इनका आधार नंबर होना चाहिए, तो मैं इनका आधार नंबर यहां मेंशन कर रहा हूं। टिन नंबर नहीं है इनके पास, वो चाहते हैं कि मेरा पैन कार्ड नंबर भी मेरे इनवॉइस पर नजर आए, तो वो पैन कार्ड नंबर भी मैंने इनका यहां डाल दिया है। वो चाहते हैं कि मेरा ईमेल एड्रेस भी यहां नजर आए, तो ईमेल एड्रेस भी हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं। इनका मोबाइल नंबर भी यहां शो हो जाएगा, हमने यहां इनके मोबाइल नंबर की डिटेल्स भी डाल दी है, ठीक है। इनका पिन कोड 244901 है, बाकी डिटेल्स आपको डालने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे सेव कर देते हैं। अब हम इन्हें एक इनवॉइस काटते हैं, जनरेट करते हैं इनके लिए और देखते हैं बिजी द्वारा क्या क्या इनका प्रिंट होकर आएगा। हमने डिटेल्स तो सारी फिल कर चुकी हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि बिजी द्वारा हमें प्रिंट में क्या क्या नजर आने वाला है। हम इन्हें 10 बुक बेच रहे हैं 1000 रुपए के हिसाब से, और ये हमने यहाँ पर इनवॉइस सेव कर दी है और प्रिंट प्रीव्यू देखने वाले हैं। यहाँ जो प्रिंट प्रीव्यू होकर आया है सिर्फ इनकी पार्टी का जो डिटेल्स हैं, हमने जो डेटर बनाए हैं वो सिर्फ गुलफाम अहमद और कटरा जलालुद्दीन एड्रेस नजर आ रहा है, लेकिन गुलफाम चाहते हैं कि इनके बिल पर सारी डिटेल्स मेंशन हो, तो वो किस तरह से करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पर कंट्रोल एफ दबाइएगा, कॉन्फ़िगरेशन टाइप खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग स्टैंडर्ड पर क्लिक करना है, एंटर करना है, सेल इनवॉइस पर एंटर करना है। इस तरह से आपके सामने कॉन्फ़िगर सेल इनवॉइस आ जाएगी। यहाँ पर बिजी आपसे पूछता है कि आप अपनी सेल इनवॉइस को किस तरह से प्रिंट करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस चैप्टर पे मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, वो आपको लिंक दे दूंगा। फिलहाल के लिए हमें अभी पार्टी की डिटेल्स शो करानी है अपने इनवॉइस पर, तो हमें क्या करना है, प्रिंट पार्टी डिटेल्स, प्रिंट पार्टी डिटेल्स को यस करना है और इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। यहां पर ये बॉक्स खुलकर आ चुका है, यहां पर ये पार्टी की डिटेल्स यहां आप दे सकते हैं, प्रिंट पेन, प्रिंट ईमेल, प्रिंट मोबाइल नंबर, प्रिंट आधार, प्रिंट स्टेट सेपरेटली और पिन कोड भी हम यहां से ओके कर देते हैं, सेव कर देते हैं। और एक बार फिर से गुलफाम का लेजर खोल कर या सेल का लेजर खोलकर हम इनको प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे कि क्या ये डिटेल्स अब शो हो रही हैं या नहीं। सेल इनवॉइस प्रिंट प्रीव्यू, तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया है कि और जैसा कि गुलफाम अहमद चाहते थे कि इनके टैक्स इनवॉइस पर इनकी सारी डिटेल्स मेंशन कर दी जाएं, वो सारी डिटेल्स बिजी सॉफ्टवेयर द्वारा सब कुछ यहाँ शो हो चुकी हैं। ये किस तरह से किया है मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। कंट्रोल एफ दबाना है, कॉन्फ़िगर टाइप मराना है और इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग स्टैंडर्ड सेल इनवॉइस, और यहाँ पर आपको प्रिंट पार्टी डिटेल्स के ऑप्शन को यस करके बाकी डिटेल्स आप डाल देंगे। गाइस, अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमारे यूट्यूब पर चैनल पर पड़ी हुई है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद आगे की वीडियो देखिएगा कंटिन्यू। गाइस, जैसे कि गुलफाम अहमद जी चाहते थे कि उनकी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाए, तो वो डिटेल्स यहाँ शो हो चुकी है। अभी ये एक चीज और चाहते हैं कि जो बुक्स इन्होंने मंगाई हैं ये अपने इस एड्रेस पर नहीं शिप करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मेरी ये बुक्स कहीं और शिप हों, लेकिन इस
टैक्स इनवॉइस पर वो एड्रेस यहाँ मेंशन नहीं हो रहा है, तो वो आपको किस तरह से मेंशन करना है, तो चलिए चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि अभी हम कंट्रोल एफ से गए थे इनके बाकी डिटेल्स को प्रिंट करवाने के लिए, वहीं दोबारा जाना है और यहाँ आपको नजर आएगा प्रिंट बिलिंग शिपिंग डिटेल्स सेपरेटली, इसे यस कर देना है, इसे यहाँ सेव करना है। अभी आपको इनवॉइस खोलना है और यहाँ पर वाउचर डिटेल्स पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शनल फील्ड में जाकर इसे यस करना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल्स, इसे यस करना है और सेव कर देना है। अब जैसे ही आप गुलफाम अहमद जी के वाउचर को मॉडिफाई करेंगे या नया वाउचर बनाएंगे, तो जैसे ही किसी भी डेटर के नेम के एंटर करते ही आपके सामने इस तरह से एक विंडो खुलकर आएगी। यहाँ पर यह विंडो आपसे पूछ रही है कि क्या जिस पार्टी को आप बिल बना रहे हैं उसका सामान कहीं और तो शिप नहीं होना है, तो वो डिटेल्स आप यहाँ डाल देंगे। यहाँ पर पहले जो इनका बिलिंग एड्रेस है वो कटरा जलालुद्दीन था, अब इनका एड्रेस हम चेंज कर देते हैं, यहाँ एड्रेस हम डाल देते हैं जेल रोड, सिर्फ जेल रोड हमने यहाँ डाल दिया है और यहाँ से हम रामपुर हटाकर मुरादाबाद कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अभी इस प्रिंट वाउचर को आपको सेव करना है और प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि क्या इनकी बुक्स अब मुरादाबाद जा पाएंगी या नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये बिलिंग एड्रेस है और ये शिपिंग एड्रेस अब शो होने लगा है, यहाँ पर कटरा जलालुद्दीन और यहाँ सिर्फ जेल रोड मुरादाबाद, डिटेल्स बाकी पार्टी की वही रही, सब कुछ यही है, लेकिन शिपिंग एड्रेस यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने बिजी सॉफ्टवेयर से बिल टू शिप टू का एक इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी पार्टी की डिटेल्स भी आप सारी मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। तो आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं और मैं बनाता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।